हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा है शादी में इनविटेशन। मतलब हम लोग तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि मतलब सभी करते हैं, वो तो मैं भी कर रहा था कि यार एक तो मिल जाए, एक तो मिल जाए। तो बस आखिरकार मेरे को मिल ही गया। आज है 17 तारीख, तो शायद ये ब्लॉग आपको एक दो दिन बाद ही मिले, पर आज मैं जा रहा हूँ शादी में। शादी में जा रहा हूँ तो अब इसका ब्लॉग बना रहा हूँ, कुछ तो यूनिकनेस होगा। तो हाँ, यूनिकनेस है और वो मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरा तो दोनों तरफ से इनविटेशन है, जो दूल्हा है और दुल्हन दोनों के तरफ से मेरा इनविटेशन है। तो चलिए फिर मैं हो जाता हूँ तैयार और आपसे मैं मिलता हूँ फिर मैरिज हॉल में। तो बस दोस्तों का इंतजार करते करते थोड़ा रुके हम, और यहाँ पे कितना ज़्यादा ठंड है आज। मतलब इतना तो नहीं होता इन जनरली, आज जितना है। तो बस मैरिज हॉल घुसते ही मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं तो हूँ बड़ा खाने का शौकीन, तो पहले तो यहाँ आना बनता है। तो बस पहुँच गया दुल्हन से मिलने, मतलब दीदी से मिलने। ये दीदी जो है वो मेरे कॉलेज में सीनियर थी और बहुत ही अच्छी है। मतलब इतनी हेल्पफुल क्या बताऊं। पर आज दीदी बहुत सुंदर लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। तो बस अभी मैं मिलूंगा दीदी से और उसके बाद मैं आपको एक और जगह पर लेके जाऊंगा। और ये देखिए, ये सब मेरे दोस्त। और बस अब मैं जा रहा हूँ आपको एक चीज़ दिखाने। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ मंडप पे। तो खैर, ये शादी यूनिक इसीलिए है क्योंकि जो दीदी है, दीदी बेसिकली नॉर्थ इंडियन है पर रहती यहीं पे है। और जो भैया है, मतलब वो भी मेरे सीनियर थे कॉलेज में, तो भैया वो बंगाली हैं। तो थोड़ा यूनिकनेस तो बनता है क्योंकि दीदी है नॉर्थ इंडियन, भैया है बंगाली। तो बस, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पंडित जी से बात की, मतलब दोनों तरफ के पंडित जी से मैंने बात की। और उनसे पता चला कि नहीं, 98% जो चीज़ होती है वो सब सेम है, 2% अलग है। पर मैंने कहा कि फिर किसके तरह से होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और यही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यही तो खासियत है इंडियंस की। खैर, ज्यादा बातें ना करते हुए हम नीचे चलते हैं क्योंकि भैया लोग आ चुके हैं। Oh,
গেটটা খুলে দেবো কি? গেটটা খুলে शादी है खुशी का गीत, दुल्हा दुल्हन है प्यार का संगीत, यह लेकर आता है हर पल खुशी का, जिंदगी भर के लिए वो बन जाते हैं मनमीत। और भैया तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है कि किस तरफ देखे, क्या करें, क्योंकि हर किसी के हाथ में है कैमरा और वो चाहते हैं दोनों का फोटो ले लेना। तो शुरू हो चुका है शादी का कार्यक्रम, पर मुझे तो लगी है बहुत जोर की भूख, तो भैया को करने दो शादी, मैं चला खाने। ये प्यार का बंधन है, दो दिलों का मिलन है, आपकी जोड़ी सलामत रहे, जीवन में बेशुमार प्यार हो, हर दिन खुशियों के साथ हो, बना रहे ये रिश्ता जन्मों जन्मों तक, यही है मेरी शुभकामनाएं और शादी की आपको बहुत बहुत बधाइयां। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओह प्रेस द बेल आइकन आल्सो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस।